कितना हाल बेकार हो गया, आप लोग खुद देख सकते हो। और मेरी ये टी शर्ट रख सकते हो, सारी की सारी टी शर्ट पे मेरी पे चटनी आके गिर गई है। और बस क्या था, इसका ढक्कन ना मैं हाथ से दबाना भूल गई और चटनी सारे में बिखर गई है। सारा का सारा मेरा किचन बेकार हो गया है, देख सकते हो आप। और इसमें आलू के पराठे बनाऊंगी और चटनी बना लेती हूँ। और देखा ना कितना ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, आवाज़ बेकार हो रखी है, क्योंकि मैं घर से आई हूँ तो कुछ ऐसे मन कर रहा था तीखा का चट्टा जो खाने का, तो मैं सोच रही चटनी बना लेती हूँ और पराठे बना लूँगी। लेकिन आप लोग देख सकते हो इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा बढ़िया, मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा गया था वो, मैं पानी से धो ली हूँ। मिर्ची, मेरे आँखों में जलन हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिर्ची है इसमें तो खास करके जलन होगी होगी। तो मैं सोच रही थोड़ा सा घी लगाऊंगी तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। और इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था कि इतना हाल बेकार होगा, बट कभी कभी ना ऐसा होता है तो बहुत बेकार सा। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या ही बताऊँ आपको, कितना बेकार हो गया। इतनी देर में चटनी बनाने में नहीं लगी, इतना ज़्यादा मैं साफ खाने में लग जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चटनी फैली, बहुत गुस्सा भी आ रहा है। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ये फैला रहा था। देखिए मेरी इस पर आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि कितना हाल इसका बेकार हो गया, बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ मैं उसको, जो होना था वो हो गया। और देखिए ना मिक्सी को भी सारी की सारी मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। इसका ढक्कन ना मैं लगाना मतलब लगा तो था ऐसे, उसको हाथ से दबाना भूल गई कि इसको टाइट दबा लूँ, वो टाइट दबा ही नहीं, इसलिए पीछे हटो, पीछे पीछे से देखो, आगे से क्यों देख रहे हो, रीलिंग से पीछे से देखो, रीलिंग पे आगे झुक जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा डर लगता है कभी ये ना जाए। तो चलिए थोड़ा मैं इसको कर लेती हूँ, और क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, है कि नहीं, जो होना था वो आ गया। तो फ्रेंड आपने देखा, और मेरे मतलब ना बाल वाल भी ऐसे हो गए, क्योंकि ना तभी थोड़ी सी ठीक सी नहीं लग रही थी। और आप देख सकते हैं सारी किचन मेरी ऐसी हो गई है कि आप पूछ नहीं सकते हो कि क्या हाल हो गया है मेरी किचन का, सब बर्बाद हो गया है। तो मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और वो क्या था ना कि मेरे कान पर ना फ़ोन लगा था, और मतलब बात कर रही थी, और मैंने ना इसको सही से नहीं दबाया, तो चटनी सारे में चटनी ढंग से भी नहीं पिसी है ये, तो ऐसा हो गया। और वैसे तो देखिए मैं कई बार तो सिल पे पीस लेती हूँ, पर ये है कि अभी ना मेरे को ज़्यादा बनानी थी, तो सोचा चलो मिक्सी में बना लेती हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी के चक्कर में कई बार होता है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो इसीलिए ना जल्दी के चक्कर में वो हो गया। देखिए मैंने अब सारी किचन अपनी साफ़ कर दी है, बर्तन साफ़ कर दिए, सिंक साफ़ कर दी, और सारे में जितनी चटनी चली गई थी वो भी साफ़ कर दी है। देखिए मैंने अभी यहाँ पे आलू बॉयल तो कर ही रही थी मैं, तो आलू को मैंने छील लिया। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं पिट्ठी बना लूँगी, और पिट्ठी बनाने के बाद देखिए मुझे पराठा खाने का मन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर से आई हूँ। तो आपको दिख भी रहा होगा, ऐसे तो मैं कभी वीडियो में नहीं आती, पर लेकिन होता ना कि जब हम अच्छी चीज़ शेयर करते हैं, तो जब हमारे साथ कोई परेशानी होती है या कुछ दुख होता है तो वो भी हम शेयर करते हैं, क्या नहीं, तो ये तो हमारा काम। देखिए फ्रेंड मैं अभी आ गई हूँ रूम में, क्योंकि मैं आलू को, हाँ आ जाओ, आलू को बॉईल करके आ गई हूँ और किचन को पूरी क्लीन कर दिया, आटा लगा दिया, तभी मुझे पिट्ठी बनाने जाना है, पिट्ठी बनाने जा रही हूँ मैं। और मैं मतलब ना ये कपड़े चेंज कर दिए, हाँ, आप चलो, कपड़े मैंने चेंज कर दिए क्योंकि ना यार सारी टी शर्ट ख़राब हो गई थी मेरी, और बहुत बेकार लग रही थी, और फिर बाल बाल भी कंघी नहीं की थी तो बेटा, क्योंकि कंघी वगैरह नहीं की थी तो सोचा कंघी वगैरह कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी कहने का मन नहीं करता, पर मैं अभी हाँ लोअर टी शर्ट ही है। देखिए मनु बैठा हुआ, मनु कहना चोट लगी हुई है पैर में, दिखा ये पैर भी गंदा हो रहा है आपका, तो इसको नहलाया भी नहीं पैर की वजह से, क्योंकि भीग जाएगा, बस के पैर में ना कील चली गई थी इतनी, चोबा जो बोलते हैं ना चोबा, वो वाला चला गया था, तो उसकी वजह से मनु क्यों शोर मचा रहे हो, बोलो, मेरी तो आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकल रही है, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ ऐसी हो गई खराब, और इस तरीके से आवाज़ है कि बस पूछे मत, बहुत बेकार लग रहा है, क्या कर सकते हो। 7 बज गया, मैं सोच रही हूँ जाऊँ किचन में पिट्ठी बना के पराठा बनाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बच्चे को भूख भी लगी है, मैंने भूख लगी है ना, भूख लगी है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी टी शर्ट से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, टी शर्ट बहुत बेकार लग रही थी, तो फिर मैंने दूसरी बारी पहन ली है। आपको खाना खाना है, उसको भी खाना है, तो चलिए मैं बना लेती हूँ,
फटाफट से इनको पराठा बना दूंगी तो ये दोनों खा लेंगे। अभी हस्बैंड जी का तो पता नहीं कब तक आएंगे, तब आएंगे तो उनके लिए भी बना लूँगा, अपने लिए भी बना लूँगी। पहले बच्चे खा लेंगे, पहले मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ, और क्योंकि बच्चे भूखे न रहे हैं कि नहीं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी बहुत देर में, मैं मिलती हूँ किचन में, चलती हूँ लेके आप सभी को। तो चलिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड अभी मैं देखिए ना यहाँ पर पराठा बनाने लगी हूँ। और वैसे देखिए ना मैं आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा चलो आज वीडियो नहीं बनाऊँगी। और जब ऐसा मुझे लगा तो मैं सोची चलो मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ और शेयर करती हूँ, क्योंकि ये हमारा काम सा हो गया है कि अगर कुछ भी होता है तो हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और ब्लॉगिंग वालों का तो काम ही यही होता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है तो वो हम शेयर करते हैं। बट लेकिन कुछ लोग ना मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं हम क्या क्या शेयर कर रहे हैं, तो जो वो ब्लॉगिंग वाले चैनल होते हैं वो उसी तरीके से होते हैं। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर पराठा बना लेती हूँ और बच्चों को दे दूँगी। बच्चों को थोड़ा कम मिर्ची वाला बनाती हूँ, अपने लिए थोड़ा ठीक सा बनाती हूँ जिससे कि चटपटा सा, और बच्चे क्योंकि मतलब खाते नहीं है तो फिर उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है। और देखिए ना यहाँ पे अभी तो थोड़ा सा ठीक, और जब मेरा जैसे वीडियो नहीं बना रही थी ना, बाल भी ऐसे हो रहे ऐसे पागलों जैसे भूतले से बन रही हूँ, और क्योंकि मेरी आँखों में और मिर्ची चली गई थी ना, तो ऐसे ऐसे करके मैंने पानी डाला तो और मेरा फेस वैसे हो गया था बेकार सा। तो होता रहता है ऐसा है क्या नहीं। तो देखिए अब मैं पराठे बना लेती हूँ, और किस किस को आलू के पराठे पसंद हैं। अभी भी देखिए ना वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी ऐसा हो रहा, और मैं देखिए घर से आई थी तभी मैं वीडियो बना रही हूँ, और क्योंकि मैं सोची चलो बना लेते हैं वीडियो। और आजकल तो वैसे भी देखिए ना वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा मेरा बिल्कुल भी, बहुत बेकार सा लग रहा पता नहीं क्यों। देखिए फ्रेंड अभी पराठा मेरा सीख गया है, और देखिए कितने फूले फूले पराठे बन रहे हैं। और ये देख रहे हो ना आप घी कि आपके बार ना मेरे से ज़्यादा पक गया था, तो इसको ना मैं पराठा पराठे में ही मतलब ज़्यादातर ले रही हूँ, क्योंकि जैसे कभी मैं खाना भूनती हूँ तो उसमें ले लेती हूँ, पराठा बनाती हूँ तो जब क्योंकि आपको थोड़ा ना ज़्यादा पक गया था, इसे रखने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अभी मैंने क्या जैसे कि इसमें ही मैंने ये अलग बर्तन में निकाला, नहीं तो मैं अपने डोलची में निकालती हूँ, क्योंकि वो ना क्या हो गया था मैं कुछ काम में लग गई थी और ये ज़्यादा पक गया, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना इसी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोच रही हूँ ये ख़त्म हो जाए। और ये घी भी ना कम से कम 3 पग ही होगा, और फिर इतना काफ़ी दिन में जाकर ये ख़त्म हो गया, काफ़ी दिन से चल भी रहा है ये। तो पराठे वगैरह भी रोज़ नहीं बनते क्योंकि ऐसी चीज़ रोज़ रोज़ खाने का मन नहीं करता, कभी कभी होता है, और अभी तो और भी मन नहीं करेगा क्योंकि गर्मी आ रही तो और भी मन नहीं करता है। और जितने भी पराठे बने ना फ्रेंड एकदम फूले फूले बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितने अच्छे पराठे बने। और मैंने जब भी पराठे बनाती हूँ ना इसी तरीके से बनाती हूँ, और पराठे खाने में ना बहुत मज़ा आता है मुझे तो, टेस्टी लगते हैं एकदम। तो देखिए इस तरीके के पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं, अगर और कोई बनाए तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अरे जितने अपने हाथ से नहीं लगते, बट मुझे तो अपने हाथ के भी अच्छे लगते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अपने हाथ के अच्छे, पर मुझे अपने हाथ के भी अच्छे लगते हैं, बट हाँ दूसरा बनाए तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए फ्रेंड ये मेरा पराठा सीख गया है, और बस अभी मैं बना लूँगी, थोड़े से और रहेंगे। और ये ना शाम का टाइम था फ्रेंड, तो देखिए मैंने ये भी सीख गया है, और मैं दूसरा वाला पराठा भी डाल दूंगी। और पता है फ्रेंड मैंने पराठे के साथ साथ ना रायता भी बनाया था बूंदी का, क्योंकि रायता भी अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि लिक्विड वाली चीज़ हो तो सही रहता है। तो देखिए मैंने रायता बनाया था बूंदी का, और पराठे और चटनी, तो यही सब बनाया था। तो देखिए ना अभी मेरे को ना इसमें जीरा डालना बाकी है, जीरा और भून के डालूंगी, क्योंकि मुझे ना भुना हुआ जीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं दोनों काम करते जा रही हूँ, एक तरफ पराठा भी सीखते जा रही हूँ, और एक तरफ देखिए मैंने जीरा भी भुन गया है पराठा सीखने के बाद है, क्योंकि एक ही तवा है, दो तो नहीं कर रही हूँ मैं। तो देखिए अभी यहाँ पर इस जीरे को क्या करूँगी ना मैं हाथ से मैश करके डाल दूँगी रायते में, मैं ना तेल वाला तड़का बहुत कम लगाती हूँ। तो देखिए ना इस तरीके से, और ये रायता मेरा बन गया है, और बस अभी खा लेते हैं, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मुझे ना ऐसे ही रायता बहुत अच्छा लगता है, और जैसे जब मैं बनाती हूँ ना आलू वालू का बनाती हूँ रायता, तो तब मैं वो लहसुन वाला तड़का मारती हूँ उसमें रायते में, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए बस अभी थाली लगा लेती हूँ और खाते,
तो आप सभी खा लीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी कर दूंगी। और मैं ऐसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे मैं बोल रही तबीयत खराब, तो कुछ से कुछ निकल रहा है और आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। देखते रहिए बबीता न्यूज ब्लॉग।